विधेयक में कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। शुक्रवार को राज्य मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने दोनों सदनों में महाराष्ट्र पत्रकार और पत्रकारी संस्था अधिनियम 2017 विधानसभा और विधान परिषद में रखा। विधेयक के मुताबिक हमला करने वाले को 3 साल की सजा अथवा 50,000 रुपए का जुर्माना लगा जा सकता है। हमले में हुए नुकसान या फिर पत्रकारों के इलाज का खर्च भी हमलावर से वसूल किया जाएगा। यही नहीं, कानून में इसका भी प्रावधान किया गया है कि अगर पत्रकार इसका दुरुपयोग करते हैं तो उन पर भी यह कार्रवाई होगी। अगर वो मान्यता प्राप्त पत्रकार है तो उनकी अधिस्वीकृति भी समाप्त की जा सकेगी। राज्य में पत्रकार और मीडिया संस्थानों पर हमले की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर इस तरह के कानून की मांग की जा रही थी। पत्रकारों, मीडिया संस्थानों के साथ साथ स्थायी तौर पर और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पत्रकारों पर हमला करना गैर जमानती अपराध माना जाएगा। हालांकि इस विधेयक से सभी पत्रकारों में खुशी का माहौल है।